गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की बीजेपी सांसद अब 14 दिन तक गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। पार्टी के स्थापना दिवस पर संबोधित किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की संसदीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू हो रहा है, इस दौरान सभी को समर्पित भाव के साथ सेवा करनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को आने वाले 14 दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बताई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब मकान और दुकान के किराए पर भी देना होगा जीएसटी। जीएसटी काउंसिल में आने वाला है प्रस्ताव। आपको बता दें कि अब मकान और दुकान के किराए पर भी वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का भुगतान करना होगा। आगामी दिनों में होने वाली जीएसटी काउंसिल में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ये मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब मकान और दुकान के किराए पर भी जीएसटी लगाने का विचार कर रही हैं। मकान और दुकान के किराए पर 12% जीएसटी की खबर जैसे ही लोगों ने मोबाइल फोन पर देखी उनके तो होश उड़ गए। पर यहाँ पर आपको बता दें कि जब सरकारी संस्था पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया तो ये खबर फर्जी निकली। वित्त मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि मकान और दुकान पर जीएसटी लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश की सुरक्षा को खतरा बताकर ब्लॉक किए 22 यूट्यूब चैनल, 4 पाकिस्तान के भी शामिल। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी है। इन चैनलों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनल ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही है योगी सरकार। खत्म होंगे अब दीनी तालीम देने वाले 5,339 शिक्षकों के पद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मदरसों में अब दीनी तालीम कम करके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक फोकस किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सरकार ऐसा बनाने जा रही है जिससे कि यहां के छात्र भी दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस फैसले से मदरसों से दीनी तालीम देने वाले 5,339 शिक्षकों के पद चरणबद्ध तरीके से खत्म हो जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रक्षा क्षेत्र में ऐसे बदल रही है भारत की तस्वीर, जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी कि DRDO ने भारतीय वायुसेना को 500 किलो का एक बहुत अच्छा हथियार सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माणी में इसे तैयार किया गया है। भारत शांति का पक्ष धर रहा है लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है और आक्रामक भी। जब आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर राष्ट्र हों तो अपनी सामरिक शक्ति और नीति को मजबूत करना जिम्मेदारी तो बनती है। और बीते करीबन 8 साल से भारत रक्षा के क्षेत्र में न केवल खुद मजबूत हुआ है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी हथियार बेचने की शुरुआत कर दी है। और आपको बता दें कि करीबन 42 देश हमसे रक्षा आयात करते हैं जिसमें कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान आदि प्रमुख हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पैदल रेल पटरियों को पार किया तो जाना पड़ सकता है जेल, जानिए कितनी होगी सजा। आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा के मामले में सजग है। यही वजह है कि समय समय पर रेल यात्रियों या फिर रेल पटरियों से पैदल गुजरने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि गलत तरीके से लोग अगर रेलवे लाइन को पार नहीं करे तो इसको लेकर अब अभियान भी चलाया जाता है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि अब तो फिलहाल मंडलों को निर्देश भी दिए गए हैं कि पैदल रेल पटरियों से गुजरने वाले लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को एक तो जागरूक हो और दूसरा रेल लाइन को पैदल पार ना करें। इसको लेकर पहले से कानून है। रेलवे एक्ट की धारा 147 में गलत तरीके से अगर कोई ट्रैक पार करता है तो 1,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने का सजा का प्रावधान है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति का इस्तीफे से इनकार, विरोध प्रदर्शनों के बीच संकट में आई सरकार। आपको बता दें कि देश में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार को अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को बताया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि संसद में बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को वो सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं।
और साथ ही आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश और आर्थिक संकट को देखते हुए रविवार को 26 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, संकट से जूझ रही श्रीलंका की सरकार का बड़ा फैसला, इराक और नॉर्वे में बंद किए दूतावास। आपको बता दें कि श्रीलंका इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां अब खाने पीने समेत रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों की कमी हो गई है, बेतहाशा महंगाई हो गई है, विपक्ष से लेकर आम जनता सरकार का विरोध कर रही है। इस बीच श्रीलंका सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि श्रीलंका ने नॉर्वे और इराक में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला भी ले लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, दिल्ली में अब 3 की बजाय होगा 1 ही नगर निगम। राज्यसभा में भी पास हुआ MCD संशोधन विधेयक। आपको बता दें कि संसद ने राष्ट्रीय राजधानी के 3 नगर निगमों को एकीकरण के प्रावधान वाले दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत प्रदत्त अधिकार के माध्यम से लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो प्राप्त है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य के संबंध में विधेयक यहां नहीं ला सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, ICMR का बड़ा ऐलान, कोरोना मुक्त हुआ भारत, मुख्य महामारी विशेषज्ञ ने कहा अभी भी मास्क है जरूरी। आपको बता दें कि कोरोना जैसी भयानक महामारी को लेकर अपने देश में इसकी निगरानी करने वाली सबसे बड़ी संस्था ने राहत भरी घोषणा कर दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुख्य महामारी विशेषज्ञ ने भारत को अब कोरोना महामारी से मुक्त घोषित कर दिया है। अब भारत में कोरोना एंडेमिक कैटेगरी में पहुंच गया है, यानी ये वायरस तो हमारे आसपास के बीच मौजूद रहेगा लेकिन अलग अलग बदलते हुए स्वरूप में होगा। साथ ही आपको बता दें कि अब अपने पुराने महामारी जैसे हालात में नहीं पहुंच सकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, इमरान को याद आया भारत, 30 मिनट में 7 बार लिया नाम, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान के हाथों से सत्ता जा चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर भले ही वोटिंग नहीं हुई लेकिन इमरान को दोबारा चुनाव कराने के लिए विपक्ष ने मजबूर कर दिया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला जो भी आए लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होंगे। इस बीच आपको बता दें कि एक इंटरव्यू इमरान खान का वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने 30 मिनट के अंदर 7 बार भारत का नाम लिया और हर बार उन्होंने तारीफ की। पर एक चीज आपको और भी बता दें कि इमरान खान ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का डर भी जताया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, रूस ने किया इमरान का समर्थन, कहा कि अमेरिका का आज्ञाकारी न होने की कीमत चुका रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के एक अन्य शर्मनाक प्रयास के रूप में रूस ने अमेरिका की निंदा की है। रूस ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान वॉशिंगटन का आज्ञाकारी नहीं होने की अब कीमत चुका रहे हैं। उन्हें इस वर्ष फरवरी माह में रूस आने के लिए सजा दी जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, जंग में रूस कमजोर हुआ तो चीन का होगा अहम रोल, शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार को किया आगाह। यहां पर आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को सचेत करते हुए लोकसभा में कहा कि सरकार को इस युद्ध को खत्म कराने और शांति की बहाली में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लोकसभा में नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसमें चीन रूस के करीब जा रहा है। चीन और रूस जिस तरह से करीब आ रहे हैं इसको लेकर उन्होंने सरकार को आगाह किया है। साथ ही शशि थरूर ने चीन की तरफ जो LSE पर किया जा रहा है उसका भी जिक्र किया। शशि थरूर ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। शशि थरूर ने इसके साथ ही कहा कि हम रूस चीन पाकिस्तान को साथ देख रहे हैं, इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। उन्होंने सैन्य अभियान शुरू होने के दिन इमरान खान की मास्को यात्रा का भी जिक्र किया। शशि थरूर ने कहा कि सरकार को आगे बढ़कर अपना रोल अदा करना चाहिए, मध्यस्थता करनी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।